हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए पनीर का पराठा, जो कि झटपट बन जाने वाला नाश्ता है। उसमें मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, खाली धनिया हरी मिर्च कट करके डाला है, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला, नमक और धनिया पाउडर डाल दूंगी। और इन सबको मिक्स करके, हल्दी भी आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, इन सबको मिक्स कर लूँगी और एक स्टफिंग तैयार कर लूँगी इसका। इसमें मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो दूध फट गया था, तो मैंने सोचा उसका क्या बनाऊँ। और दो रोटियां मैंने बेल के रखी हुई है, उस पर जो स्टफिंग तैयार किया था ना, वो उस पर डाल लूँगी और डाल के फैला दूँगी। और ऊपर से वो दूसरी वाली रोटी भी डाल दूँगी और डाल के हल्के बेलन से उसको बेलना है। इसको भी इसके ऊपर वो कर दूंगी, चिपका दूंगी। और बेलन ज़्यादा मतलब दबा के नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो भी स्टफिंग डाला है ना, वो सब बाहर आ जाएगा। तो हल्के हाथ से बेलन को इस्तेमाल करना है। उसको मैं तवे पे डाल के और घी लगा के इसको तैयार कर लूँगी। और ये पराठा बहुत ही अच्छा बना था, तो एक बार घर पर बना के देखना। और झटपट सा नाश्ता है, दूध फट जाए तो इसका पराठा बन जाए अच्छे से और बच्चे भी खा लेंगे। तो दूसरा वाला जो मैंने बेल के रखा था, उसको भी मैंने तवे पे डाल दिया है। और ये देखिए, तो मेरा पराठा बन के तैयार हो गया। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि पराठा कैसा बना था। सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को, फुल वॉच करिएगा। और ये पराठा सच में बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू।